फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ट्यूटोरियल के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसे उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। चलो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप मेरी वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी और वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल को लें और यहाँ पर स्क्वायर ड्रा करें। उसके बाद हम शॉर्प टूल में जाते हैं, शॉर्प टूल को सिलेक्ट किया और इसकी रेंज बना ली। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं देता। इसके ऑप्शन लाने के लिए हम कन्वर्ट टूल में जाते हैं और अब रेंज, इसके बाद हम कन्वर्ट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये देखें, कन्वर्ट लाइन ड्रा। तो अगर आप इसकी डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल डी की मदद से ले। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल डी को दबाता हूँ, उसकी डुप्लीकेट बन चुकी है। तो इसे आप न्यू बनाना चाहते हैं न्यू बना लें, और उससे डुप्लीकेट को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ऐसे रिमूव करें और डुप्लीकेट लगा लें। तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जूम टूल की मदद से हम इसे, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐसे जूम टूल की मदद से हम इसकी रेंज बनाते हैं और अच्छे तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, आप इसमें अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टैक्स लगाना चाहता हूँ तो इसकी मैं थोड़ी रेंज साइज बढ़ा कर और यहाँ पर हम टैक्स लिखना चाहते हैं। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर इसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए पिक टूल की मदद से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर इसे उल्टा रखना चाहते हैं उल्टा रख ले, और सीधा रखना चाहते हैं सीधा, मैं फिलहाल सीधा रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ इन सारे ऑब्जेक्ट में मैं कलर फिल करूँ। तो पहले नंबर में इसकी जूम को फिटनेस करता हूँ, तो इसका शॉर्टकट है F4। F4 की मदद से इसका जूम को फिटनेस किया। तो इसमें अब मैं कलर फिल करना चाहता हूँ। पहले नंबर में इसे सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और इसे फिटनेस कर। तो मैंने सेलेक्ट किया, इसकी रेंज बनाई और इसमें अब मैं इसे फिलहाल मैं इसे ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ। उसका ग्रुप का शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल जी। अगर आप कंट्रोल जी की मदद से नहीं करना चाहते तो ये ऊपर
क्वाड्रो का आपको एक ग्रुप कंट्रोल जी दिखाई देगा। तो मैंने इसकी इसकी को रेंज में लिया, आप इसे मैं जहाँ चाहूँ ले जा सकता हूँ। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, तो इनमें से मैं येलो कलर फिल करता हूँ तो येलो कलर आ गया, अगर मैं रेड करता हूँ तो रेड। ब्लैक करूँगा ब्लैक। इस तरह आप अपने हिसाब से वो कुछ भी बना सकते हैं, और इसे आप रिमूव कर कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसे आपको इसमें समझना पड़ता है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।